नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिंपी राय और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में होने वाले श्रम सम्मेलन का भी विरोध करेगा मजदूर संघ। अजमेर पहुंचे नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, शहर को बताया एकता की मिसाल। गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग के छात्रों ने सौंपा जिलाधिकारी को ज्ञापन, फीस कम करने को लेकर कई दिनों से कर रही हैं प्रदर्शन। शहर में बंद हुआ लो फ्लोर बसों का चलन, 1 मार्च से नहीं दिखेगी पुरानी बसें। कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका नाम मैं साहस हूं रखा गया। क्या था इस सेमिनार का उद्देश्य, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं साहस हूं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस सेमिनार का उद्देश्य समाज में महिलाओं को उनके खिलाफ बढ़ते अपराधों के प्रति जागरूक करना था। वैशाली नगर के कांग्रेस कार्यालय में हुए इस सेमिनार के जरिए महिलाओं को सिखाया गया कि किस तरह वे विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े होकर अपराध को कम कर सकती हैं। खास जो रिश्तेदार होते हैं आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक अराजकता सा का सा माहौल है और जो महिलाएं और बच्चियाँ हैं उनके साथ को आए दिन दुष्कर्म और अपहरण और हत्याओं जैसी जो घटनाएं हैं वो आम हो चुकी हैं। इसकी वजह शायद एक पारिवारिक परिवेश भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चियों को हम शुरू से इतना डरा देते हैं कि बेटा ये नहीं पहनना है, यहाँ नहीं जाना है, इससे बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है। बच्चियाँ अंदर ही अंदर इतना डर जाती हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि हम बच्चियों के साथ मित्रता का व्यवहार करें, उनको हर ऊँची नीची चीज़ समझाएँ और शुरू से उनके दिमाग में बिठाएँ कि उनको विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपने आप को तैयार करना है। ये मैं साहस हूँ करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। महिला कांग्रेस कार्यालय जो वैशाली नगर में स्थित है, यहाँ पे एक सेमिनार है और हम सब महिलाओं से विचार एक व्यक्त करवाएंगे और उसमें यही सुझाव मांगेंगे कि बच्चियों को और महिलाओं को आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे मजबूत करें, कैसे तैयार करें। क्योंकि आप देख रहे हैं रोज़ाना न्यूज़पेपर जब हम खोलते हैं तो एक दो दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याओं की घटनाएं आम बात हो चुकी है। तो हम नहीं, हमारे हाथों से हम ये सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनमें कमी ज़रूर कर सकते हैं। इस तरह की विचार गोष्ठी आयोजित करके लोगों को प्रेरित करके हमारी मंशा यही है कि आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप को या तो ऐसी विद्या कला सीखे या तो जूडो कराते या इस तरह की सीखे कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ उनके साथ आ भी जाएँ तो अपने आप को इस तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पर तैयार करें कि उनके साथ ऐसी दुर्घटनाएँ नहीं हो सकें। इसी को लेकर के हम लोगों ने संगोष्ठी आयोजित की गई है महिला कांग्रेस के द्वारा और हम मोटिवेट करना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग स्कूल कॉलेज में जा करके भी व्याख्यान देंगे और महिलाओं के पर बढ़ते हुए दुष्कर्म और हत्याओं को लेकर के उनको प्रेरित करेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं में कमी जरूर आए। इस सेमिनार को अब कई स्कूलों और कॉलेजों में भी करवाने की तैयारी है। महिलाओं में जागरूकता फैलाने और अपराध के प्रति कठोरता पैदा करने के मकसद से शुरू की गई कांग्रेस की ये मुहिम महिलाओं के उत्थान के लिए फायदेमंद हो सकती है। बच्चियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। बच्ची इतनी छोटी होती है कि उसको समझ में नहीं आती उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि इसमें कहीं राजनीति तो हावी नहीं हो जाएगी। पवन आचार्य और विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर।